हे इ रोज आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह योर बायोलॉजी एजुकेटर एंड अभी एक दो दिन से मैं देख रही हूँ कि बच्चों के अंदर बहुत ही डर का माहौल बना हुआ है पैनिक मोड में चले गए हैं कारण क्या है कारण ये है कि दे आर वेरी एंशियस अबाउट कि भाई मेरा नीट का रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी मैं देख रही हूँ कि कभी ये ट्वीट आ गया कभी इस न्यूज आर्टिकल में ये खबर आ गई अब देखो मैंने भी तुम्हारे सामने एक न्यूज आर्टिकल ओपन करा हुआ है विच इज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस और ये कब आया देखो बच्चे आप देख सकते हैं कि नाइन्थ फेब को इन्होंने ये डाला हुआ है सुबह ठीक है एंड यहाँ पे ना लाइव अपडेट भी ये दे रहे हैं कि इतनी देर में आपका फॉर्म आने वाला है रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा देखो जब भी ऐसा कुछ अपडेट आता है ना तुम्हारे पास आप इस तरह का ट्वीट पढ़ते हैं आप इस तरह का न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं तो एक चीज करनी है क्या करनी है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है ठीक है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है वहां जाके चेक करना है कि वहां पर भी इस तरह का को कोई अपडेट दिया हुआ है दिया हुआ तो बहुत अच्छी बात है नहीं दिया हुआ तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है अब वो वेबसाइट्स क्या है अपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं बच्चे नीट डॉट एन टी ए डॉट एन आई सी डॉट इन एन एन टी ए डॉट ए सी डॉट इन ये आपकी वेबसाइट्स है यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं है ना अब अगर आपका फॉर्म रिलीज हो भी जाता है ठीक है जी क्योंकि कुछ नहीं पता रिलीज हो भी सकता है दो दिन में हो गया अगले हफ्ते हो गया हो भी सकता है हो भी जाता है तो पैनिक क्रिएट करने की जरूरत तो नहीं है ना मेरे बच्चों है ना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक महीने का होता है आपको करेक्शन विंडो भी दिया जाता है तो आपको पैनिक में जाने की नहीं, नहीं रजिस्ट्रेशन आपका तो आज 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 सौ नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ऐसा नहीं होता एक महीने का टाइम मिलता है तो आराम से आप कर सकते हैं उससे कोई सिलेक्शन गारंटीड नहीं है सिलेक्शन सिर्फ से पढ़ाई करके होता है ठीक है जी हाँ लेकिन अब मैं आ गए तो आपको एक चीज बता देती देर आर डॉक्यूमेंट्स अगर तुम इकट्ठा कर लोगे तैयार कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है फटाफट से तुम्हें बता देती हूँ देखो बच्चों क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे देखो आपको चाहिए होगा पासपोर्ट फोटोग्राफ अगर आपके पास नहीं है तो करवा लेना जब भी भी टाइम मिले ऐसे नहीं है कि बस आज ही जाके करवा लेना नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए आपका वाइट बैकग्राउंड भी होना चाहिए यहां पे मैंने साइज एंड फॉर्मेट भी दिया हुआ है आपका ए सी एटी परसेंट फेस यू नो शुड बी क्लियर विजिबल ये दोनों कान विजिबल होने चाहिए सब कुछ ठीक है जी अब आपके पास एक पोस्ट कार्ड साइज पिक्चर भी होना चाहिए उस पर जी आपका यू नो यू शुड हैव योर नेम एंड डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ जिस दिन आपने वो फोटो क्लिक करवाया है उसमें आपका नेम यहाँ पे भी देखो मैंने साइज मेंशन करा हुआ है इस बच्चे आपका एटी परसेंट पूरा दिखना चाहिए ऐसा नहीं है कि कैप लगा ली ठीक है ऐसा नहीं है कि हेयर स्टाइल बना लिया इस तरह से बैंग बना लिया नहीं तो आपके कान विजिबल होने चाहिए पीछे क्या होना चाहिए पीछे आपका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए सिग्नेचर आपको करने हैं व्हाइट बैकग्राउंड पे ठीक है जी और करना है ब्लैक से सिग्नेचर मस्ट नॉट बी इन कैपिटल इसका साइज भी यहाँ पे दिया हुआ है अच्छा और आपको इंप्रेशन लगाना है भाई लेफ्ट हैंड का लगाना है अगर लेफ्ट हैंड में चोट लगी हुई है तो राइट right का भी लगा सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे भी साइज दिया हुआ है अब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट तो बड़े ही जरूरी है जैसे कि क्लास टेन का पासिंग सर्टिफिकेट ये तो हर जगह ही लगता है है ना इसका साइज भी यहाँ पे मेंशन करा हुआ है एवरीथिंग शुड बी क्लियरली विजिबल इनके स्कैन करके रख लेने हैं जरूरी नहीं है कि आज ही रखने हैं आप दो तीन दिन में भी करवा सकते हैं आराम से मेरे बच्चों आराम से कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट होना चाहिए साइज यहाँ पे मैंशन करा हुआ है पीडब्ल्यू बी डी ठीक है सर्टिफिकेट आपके पास यू uh, नो you know, होना चाहिए साइज भी मैंने यहाँ पे मैंशन कर दिया है सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए आपके पास एम्बेसी सर्टिफिकेट या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपका चलेगा इन पी डी एफ फॉर्मेट साइज भी आपको यहाँ पे मैंशन कर दिया गया है यू शुड ऑल्सो हैव योर एड्रेस प्रूफ परमानेंट प्रेजेंट जो भी है आपका यू कैन यूज योर पासपोर्ट वोटर आईडी आधार कार्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये सब आप इकट्ठा कर लो जरूरी नहीं है कि आज ही करना है कल ही करना है परेशान कर दो अपने पेरेंट्स को प्लीज या नहीं इससे अच्छा है ये है कि मेरी जो 10 मिनट की 15 मिनट की एक सीरीज चल रही है ऑफ द मोस्ट वांटेड और द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स वो जाके पढ़ लो 10 मिनट में वो कवर कर लो ये पैनिक मोड में जो तुम आ जाते हो बच्चे यहाँ पे अब ना सिर्फ एक चीज तुम्हें काम आएगी एंड दैट इज पढ़ाई और पढ़ाई के लिए आज ही मैंने आपका Uh, एक नया सीरीज में एक नया चैप्टर कराया दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उसको जाके देखिएगा उसकी पूरी प्लेलिस्ट लिस्ट में बनवा दूंगी और परसों परसों मैं करवाने परसों नहीं मैं मंडे को करवाने वाली हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम एक दिन में एक चैप्टर कर रहे हैं पूरा डिटेल में कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल डिटेल में एनसीईआरटी को साथ लेके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन एनसीईआरटी कर रहे हैं दिस इज वॉट गोइंग टू वॉट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर सिलेक्शन पैनिक मोड में आना ये भाई मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है अब आ रहा है ये अब आ रहा है ये yes, रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट है लेकिन क्या तैयारी करना इंपॉर्टेंट नहीं है और उसके लिए तो एक महीना दिया जा रहा है आपको तो आप इतना वरी क्यों करते हो मेरे बच्चों नहीं करना है ठीक है इन सब चीज़ों से दूर रहना है एंड दिस इज द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो ओके जी और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये हर एक बच्चे को करना ही करना है दिस इज अ फ्री एनरोलमेंट इसमें आप फ्री में एनरोलमेंट करेंगे स्कॉलरशिप टेस्ट ठीक है जी दिस इज अन एकेडमी स्कॉलरशिप टेस्ट जिसमें आप गार्गी कोड लगाएंगे फ्री में आप एनरोलमेंट करेंगे सिर्फ एनरोलमेंट नहीं करेंगे आप टेस्ट लेंगे भी ठीक है यू विल ऑल्सो टेक द टेस्ट ऑल्सो टेक द टेस्ट क्योंकि बच्चे आपको चांस है कि आप 90% परसेंट आपको स्कॉलरशिप मिल जाए मुझे कितनी खुशी होगी अगर मेरे बच्चों को 90% परसेंट स्कॉलरशिप मिल जाएगा आप किसी से कम है क्या आप आइए तो कंपीट तो करिए क्या पता क्या हो जाए क्या से क्या हो जाए और यार अगर कुछ नहीं भी मिला मान लो कि मैम हमें तो 90 परसेंट स्कॉलरशिप नहीं मिला हमारे तो नंबर कम आए मैम हमें तो लैपटॉप नहीं मिला स्मार्ट वॉच नहीं मिला मैम हमें तो वन ऑन वन गए तैयारी इतनी दिखती तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो दिस इज वॉट यू नीड टू फोकस ऑन राइट नाउ ना कि ये कि रजिस्ट्रेशन कब हो रहा है ठीक है हाँ डॉक्यूमेंट थोड़े जरूरी हैं वो आप इकट्ठा कर लीजिए लेकिन आराम से कर सकते हो लेकिन यार ये जरूर करिएगा ये कब हो रहा है आपका ग्यारह फेब को हो रहा है इलेवन एंड मस्ट 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 कोई भी मिस नहीं करेगा इसको एवरीबडी टू टेक द टेस्ट कोड आप गागी लगाएंगे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी तो बच्चे डू नॉट पैनिक आपको इनफ टाइम मिलेगा रजिस्ट्रेशन के लिए ठीक है फॉर्म फिल करने के लिए जिस चीज़ पे तुम्हें स्ट्रेस लेना चाहिए थोड़ा बहुत वो ये है कि मुझे अपना रिवीजन करना है मल्टीपल रिवीजन मुझे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस ले सकते हो बहुत ज़्यादा मतलब उस पर थोड़ा बहुत लो क्योंकि थोड़ा बहुत स्ट्रेस काम करने के लिए ज़रूरी होता है ठीक है जी तो विद दिस थिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन और भाई सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो ठीक है सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं इनको इकट्ठा कर लेना लेकिन आराम से पेरेंट्स को परेशान नहीं करना आराम से ओके okay, मेरे बच्चों बाय बाय टेक केयर